कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही गुजरात में गरबा की धूम मच गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मौके को भुनाने में जुटी हैं। कर्मचारियों को गरबा की ट्रेनिंग दी जा रही है। कंपनियों का मानना है कि उनके इस कदम से कर्मचारियों को चुस्त और दुरुस्त रहने में मदद मिलेगी। गरबा की धुन पर पसीना बहाते ये लोग कई बड़ी कंपनियों के कर्मचारी हैं। ऑफिस का कामकाज खत्म करने के बाद ये सभी गरबा सीखने में जुट जाते हैं। गुजरात में नवरात्रि पर गरबा को लेकर लोगों में भारी उत्साह रहता है। यही वजह है कि वोडाफोन और कैडिला फार्मा जैसी कंपनियां गरबा को कॉरपोरेट रंग देने में जुटी है। कंपनियां गरबा सिखाने के लिए प्रोफेशनल्स का सहारा ले रही है। इस साल हम नवरात्रि कैडिला फार्मा में कुछ हटके करने वाले हैं। इस साल हमने प्रोफेशनल डांसर को बुलाया हुआ है और हम लोग इसमें 9 दिन पूरा धूम मचाने वाले हैं। न केवल हमारे एम्प्लाइज बल्कि हमारे जितने ग्राहक लोग हैं जो वोडाफोन का इस्तेमाल करते हैं वो सब इस फेस्टिवल से जुड़े होते हैं। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज इस फेस्टिवल को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो ना तो केवल उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं। हर साल बड़े कॉरपोरेट हाउस गुजरात सरकार के साथ मिलकर नवरात्रि का आयोजन करते हैं। इनमें रिलायंस, एसआर, अदानी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। इसमें पारंपरिक गरबा की धूम होती है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का रासोत्सव ही नहीं है, लेकिन युवाओं को चुस्ती और स्फूर्ति देने का एक टॉनिक का काम भी करता है। इसलिए अहमदाबाद के कई सारे बिजनेस हाउसेस ने अपने एम्प्लॉयज को इस तरह की ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारने का फैसला किया है, ताकि साल भर वो उसी स्फूर्ति के साथ कंपनी के लिए भी काम कर पाए। कैमरामैन किशोर सोलंकी के साथ कदंजो सिंह, जी बिजनेस, अहमदाबाद।